बनाएंगे आलू सूजी फ्रेंच फ्राइज। ये सभी को बहुत पसंद आते हैं, ये चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू सूजी फ्रेंच फ्राइज। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू खाना खजाना सुषमा। मैं हूँ आपके साथ सुषमा चौधरी। आज हम बनाएंगे आलू सूजी फ्रेंच फ्राइज। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं और साथ ही बच्चों को बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू सूजी फ्रेंच फ्राइज रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज रेसिपी को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू सूजी फ्रेंच फ्राइज। सूजी फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो आलूओं को उबाल के ले लिया है। ये अभी बिल्कुल गर्मा गर्म उबाल के लिया है मैंने इसको। और यहाँ पर मैंने ये सूजी ले ली है एक कप भर के। और मैंने लिया है इसके लिए सॉल्ट, ब्लैक पेपर। सबसे पहले हम अपने आलू को मैश कर लेंगे। इस तरीके से मैश कर लेना है हमें। मैशर से कर सकते हैं आप या इस तरीके से। और इस तरीके से हमें आलू को मैश कर लेना है अच्छे से। आलूओं को हमने अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं मैश कर लिया है। अब गर्मा गर्म आलू में हमें ये सूजी मिला लेनी है। थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स कर लेना है सूजियों को इस तरीके से। सूजी और आलू को इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बची हुई सूजी भी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक सूजी ली है, आप किसी भी तरीके के ले सकते हैं। मोटी सूजी या बारीक सूजी दोनों में से कोई भी ले जा सकती है। इसके लिए मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सूजी और आलू को मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। ये देख सकते हैं आप मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ये ब्लैक पेपर ले रही हूँ, आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं इसको। और मैंने यहाँ पे लिया है आधा छोटा चम्मच सॉल्ट। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हैं। अब हमें करना है इसे मिक्स। आप देख सकते हैं सूजी, सॉल्ट और आलू, ये ब्लैक पेपर सभी को हमने मिक्स कर लिया है। इसमें बिल्कुल आपको इस फ्रेंच फ्राइज में बिल्कुल मकेन जैसा स्वाद मिलेगा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। अब हम इसे ढक के छोड़ देंगे। इसे हम 20 मिनट बाद चेक करते हैं, फिर हम अपने फ्रेंच फ्राइज बनाकर रेडी करते हैं। चलिए 20 मिनट हो चुकी हैं, बैटर चेक कर लेते हैं अपना। ये बैटर हमारा रेडी है बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। चलिए बना लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिया है और मैंने ये लिया है, इस पर हम इसे बेल कर कट करके लेंगे। अपने बैटर को हम इस पे रखेंगे। अब हमें छोटे छोटे पीसेस में ले लेना है ये इस तरीके से। और इस तरीके से सूखा मैदा लेना है, उसके ऊपर रख के हमें इसे बेलना है। हमने इसे थोड़ा मोटा बेल कर ले लिया है, इसे हमें कट करना है। और इस तरीके से हमें इसे लंबा लंबा कट करके ले लेना है। इस तरीके से लंबा लंबा कट कर ले लेना है हमें। इस तरीके से प्लेट में रखते जाएंगे कट करके हम। इस तरीके से मैंने ये एक और लोई हाथ में ले ली है, इसको भी बेल करके ले लेना है हमें। सूखा मैदा लगाकर बेलना है हमें इसे इस तरीके से। थोड़ा मोटा ही बेलना है इस तरीके से। इस तरीके से चारों तरफ घुमाते हुए मोटा मोटा बेल लेना है। हमने इसे बेल लिया है, अब इसे कट करेंगे। इस तरीके से हमें इसे कट करना है। तो सभी को बेल कर हमने फ्रेंच फ्राइज कट करके रख लिया है। चलिए करते हैं इन्हें फ्राई। यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, ऑयल डालकर गरम हो चुका है हमारा ऑयल।
एक एक करके छोड़ेंगे हम इसमें। मीडियम रखेंगे गैस को, धीरे धीरे सावधानी से छोड़ना है हमें इन्हें। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फ्राई हो रहे हैं। अभी इन्हें हल्क पल्क कर देते हैं थोड़ा सा, फिर हल्का सा फ्राई होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। दोबारा से हमें इन्हें फ्राई करना है एक बार। ये देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब इन्हें निकाल लेते हैं। ये हल्के से फ्रेंच फ्राइज फ्राई करके हमने प्लेट में निकाल लेते हैं। दोबारा से फ्राई कर लेते हैं इन्हें, पहले निकाल लेते हैं इन्हें सभी को और बाकी के बचे हुए भी फ्राई करके ले लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बाकी के बचे हुए भी फ्राई कर लेते हैं, फिर दोबारा से इन्हें फ्राई करेंगे, उससे हमारे अच्छे क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। बाकी के बचे हुए भी फ्राई कर लेते हैं, एक एक करके सावधानी से छोड़ना है हमें। ये भी हमारे फ्रेंच फ्राइज हाफ फ्राई हो चुके हैं, ये निकाल लेते हैं ट्रे में। इस तरीके से अब जो हमने पहले फ्राई करके रखे हैं ये हाफ फ्राई, उन्हें दोबारा से फ्राई करके ले लेते हैं। ये सभी फ्राइज हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। प्लेट ले लेंगे, प्लेट में निकाल कर ले लेते हैं। अभी फ्राइज को हमने निकाल के ले लिया है प्लेट में, अब इन पे मसाला डालते हैं। ये हमने बाउल ले लिया है एक, ये बाउल में डालेंगे फ्रेंच फ्राइज को। और मैंने लिया है चाट मसाला और ब्लैक पेपर, ये देख सकते हैं दोनों चीजें ले ली है मैंने कटोरी में। अब इसके ऊपर इस तरीके से डालना है हमें थोड़ा ब्लैक पेपर और चाट मसाला अच्छा सा। ये हमारे रेडी हैं, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। तो यहाँ पर हमने एक ट्रे ले ली है, इसमें लगा कर ले लेते हैं सभी फ्रेंच फ्राइज को। तो तैयार है एकदम फ्रेंच फ्राइज खट्टी मीठी चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार है सर्व करने के लिए। बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बने हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।